यस, तो क्या पढ़ा था हमने, भिन्नों को भाग देना। तो मैंने आपसे बोला 10/5 को भाग दो 100 से, तो कैसे करा था, पहले वाली संख्या तो वैसी उतारी जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। दूसरी वाली संख्या जो है इसका वियुक्त क्रम लिखो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा करते हैं ना, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां एक मानते हैं, तो 100 के नीचे मैंने एक लगा दिया। अब इसको व्यतक्रम करोगे, उल्टा करोगे, तो एक ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे, और जो बीच में जो भाग का निशान है गुणा में बदल जाएगा। ये तो सीखा था कि रेसिप्रोकल करते ही, व्यतक्रम करते ही भाग का निशान गुणा में बदल जाता है। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो, शून्य से शून्य कट गया, ऊपर बचा एक, नीचे बटा 5 × 5 × 10, 1/50 उसका उत्तर आ गया, 1/50। क्लियर हुआ? ये तो सीखा था पिछले क्लास में, बताइए सभी बच्चे। कोई ऐसा बच्चे जिसे समझ में ना आया हो तो पूछो, एक और एग्जाम्पल कराती हूँ मैं इसके बाद। गुड इवनिंग गुड बेटा, इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसे नोट डाउन मैम, कर लो क्लास प्रॉपरली। के चलो अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं 16/5 को डिवाइड करो 64/15 से, कीजिए। हाँ ये वाला बता दूंगी, ये वाला करिए पहले। 16/5 को 64/15 से डिवाइड करना है, विभाजित करना है, इस वाले को करो। और सॉरी, चलो मैं ही करवा देती हूँ, रिवाइज करवा दे तो मैं ही करा देती हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पहली वाली जो संख्या है ना, पहला वाला जो भिन्न है उसे ऐसी उतार दो, 16/5 है उसे ऐसे उतार दो। दूसरे वाला जो है इसका वियुक्त क्रम कर दो, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, रेसिप्रोकल करना है। तो अब 15 ऊपर चले जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। अब बीच में मैंने क्या बोला, जो भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाता है जैसे हम उल्टे करते हैं दूसरे वाले भिन्न को। अब जो चीज कट रही है काट दो, 5 × 5, 5 × 3 = 15, ठीक है। और 16 के पहाड़ में 64 आता है, हाँ 16 × 16, 16 × 64 होता है ना। क्या बचा, 3 × 1, 1 × 4, 3/4 इसका उत्तर हो गया। क्लियर हुआ, बताइए, ऐसे तो करेंगे। गुड इवनिंग मैम, मैम गुड इवनिंग, स्क्रीन पे कुछ हो नहीं ऐसे तो रहा है। करेंगे बेटा। स्क्रीन शो नहीं हो रही तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम एक बार और समझा दो। हाँ बेटा, एक और बार समझा देती हूँ, चलो। हाँ दोबारा समझाती हूँ। मैंने आपको ये प्रश्न दिया कि 16/5 को आप 16/5 को डिवाइड करना है 64/15 से। तो पिछली क्लास में क्या सिखाया था, हम कैसे करते हैं, जो सबसे पहले जो भिन्न दे रखा है उसे ऐसे ही उतारो। 16/5 है, इसको मैंने ऐसे ही उतार लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो दूसरा लिखा है ना भाग के बाद वाला, इसको उल्टा कर दो। मैम वो ऊपर के नीचे आएगा, नीचे के ऊपर जाएगा। हाँ अभी माइक बंद रखिए बेटा, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 64। अब ये जो बीच में डिवाइड का निशान है ये चेंज हो जाएगा, गुणा का बन जाएगा जैसे हम उल्टा करेंगे। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 16 × 16, 16 × 4 = 64।
गुणा एक और वहां बचा 4 गुणा 1, तो उत्तर आ गया 3/4। ठीक है, अभी क्लियर हुआ बेटा? बताइए। सभी बच्चों को फिर बेटा पोल में गलत मत करना, अभी भी कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। पोल में मैम देखो इससे कि पहले वाला जो आपने कराया था एक बार वो वाला समझा दो, 10/5 का जो था। चलो मैं उससे पहले वाला भी समझा देती हूँ। वो वाला क्वेश्चन था, मैंने आपसे बोला था 10/5 को डिवाइड करो 50 से, तो आपको यहाँ दिख रहा है 50 के नीचे कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहां मैं 1 लगा लेती हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ जाए। मैंने 1 लगा लिया, क्या बताया? पहली वाली संख्या ऐसे की ऐसे उतार दो, दूसरे को उल्टा करना है, इसको ऊपर इसको नीचे, तो अब एक ऊपर चले जाएगा 50 नीचे आ जाएगा, ये भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा। फिर से वही स्टेप, जो चीज कट रही काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप कोई चीज कटेगी नहीं, ऊपर बचा 1, नीचे 5/5, तो 1/10, सॉरी 1/25 इसका उत्तर है। ठीक है, जब भी ऐसी संख्या दे रखी हो ना दूसरी जहां पे कुछ भी नहीं है, तो हम उसके नीचे हमेशा 1 लगा सकते हैं। याद रखना, नीचे 1 लग सकता है, ऊपर नहीं लग सकता। ऊपर लगाओगे तो पूरी संख्या चेंज हो जाएगी, नीचे 1 लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए मैंने नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, अभी करें पोल में क्वेश्चन एक। यस मैम। चलिए इसको करो, 17/45 को भाग देना है 51/3 से, और क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप उसके उतारोगे भी जो क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, तो कॉपी में भी नोट डाउन करना है साथ के साथ। ठीक है, कीजिए। कीजिए, जिसका हो जाए कॉपी दिखा देना। यस, विजय शर्मा के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा। यस, नामिका के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, गुड। यस, हाँ प्रीति एकदम करेक्ट है। जगदेव के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। हिमांशु एकदम करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। राजू के नाम से जो बच्चा है एकदम करेक्ट है, बढ़िया बेटा, वेरी गुड। साथ के साथ पोल में भी करते जाइए, जिनकी जिनका हो गया है पोल में भी आंसर करते जाओ। दीपांशी के नाम से जो बच्ची है बेटा एकदम करेक्ट है आपका, गुड। सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या है आंसर फाइनल? एकदम सही है, ठीक है, बढ़िया। चिराग के नाम से जो बच्चा है बेटा एकदम करेक्ट है आंसर, बहुत बढ़िया। आकाश के नाम से जो बच्चा है, सही है, गुड, करेक्ट। साथ
के साथ सभी पोल में भी करते जाओ। बढ़िया। राजना थोड़ी स्पीड में करेंगे क्योंकि सबकी कॉपी चेक करने से क्या होता है ना, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, तो हर बार मैं सबकी नहीं करूंगी, कभी कभी सबकी कॉपी देखूंगी। ठीक है, जैसे रीना के नाम से जो बच्चा है, बाकी बच्चे भी करते जाओ, पोल में करते जाइए आंसर। बेटा कॉपी थोड़ा जूम करो, मतलब कॉपी थोड़ा कैमरे के पास लेके आओ, जो आंसर शो नहीं हो रहा है आपका। क्या लिखा है? हाँ ठीक है, बढ़िया। यस, दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा, गुड। चलिए, कितने बच्चों ने कर दिया पोल में? सिर्फ 14 बच्चों ने करा है बेटा, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। हर बार कॉपी दिखाना जरूरी नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा आंसर एकदम सही है, ऑप्शन से भी मैच कर रहा है, तो पोल में कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। आंसर अगर मैच हो रहा है और आप एकदम कॉन्फिडेंट है ना कि हाँ हमारा आंसर एकदम सही है, तो कर दो पोल। और कहीं भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कॉपी शो कर दो। यस, 21 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए लास्ट के ना 5 सेकंड्स और है बेटा, जल्दी से थोड़े ना कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ाओ अपनी, क्वेश्चन सही करने के साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी है। ठीक है, यस, आखिरी के 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे सभी जिनका पोल में नहीं आया आंसर, ये चैट में कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन से सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी के सभी थोड़ी स्पीड बढ़ा के पोल में करेंगे। ठीक है, हमको कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ना जरूरी है। यस, मैंने क्या बताया, पहले डिजिट, पहला फ्रैक्शन ऐसे उतार लो भिन्न, दूसरे को उल्टा कर दो, 3 ऊपर चले गए, 51 नीचे, अब बीच में डिवाइड का निशान गुणा का बदल गया। ठीक है, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 3 से ये वाला 3 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे बच्चा 45, 1/45 इसका उत्तर। अब इसको ना किसी भी तरीके से कर सकता है, हो सकता है किसी ने 17 को 51 से काटा हो, फिर 3 को 45 से काट दिया हो, तो आपकी मर्जी है, बट मेन चीज है आंसर आना चाहिए सही। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, आज ही नहीं आ रहा या पहले भी नहीं आता था? अगर बेटा आज ही नहीं आ रहा तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू की वजह से हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग हम सीखते हैं, मतलब अब मिश्र भिन्न होगा उससे मेरे को पूर्ण संख्या का भाग देना है, तो ये भी सेम वैसे ही, इसमें कोई अंतर नहीं है, डिवाइड आ गया तो ये वाला भी कर ही लोगे, तो सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलो, इसको गुणा इसको जोड़, 3 गुणा 4 +2/3 भाग देना है 7 से, क्या बन गया ये? 12 13 14, 14/3 भागा 7। मैंने क्या बोला, जिसके नीचे कुछ नहीं वहां हम एक लगा देते हैं ना, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं वहां एक लगा दो। अब बस वियुक्त क्रम कर दो, उल्टा कर दो, पहला ऐसे उतार दिया, ये हो गया 1/7, बीच का निशान गुणा का बन गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुणा 1/3 गुणा 1, आंसर आया 2/3, 2/3। हाँ, तो हो सकता है बेटा दूसरे फोन से ले रहे हो ना? यस, वेरी गुड सरोज के नाम से बच्चा है,
हो सकता है दूसरे फोन में आता हो, वो अपडेटेड हो, ये वाला ना हो, है ना, रीजन होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आज नहीं आ रहा तो चैट में आंसर कर देना, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा, जिसका फोन अपडेट नहीं होता ना उसमें नहीं आता। अच्छा बताइए, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन ये कैसे? मैंने एक बार और समझ, यस, एक और बार समझा देती हूँ। देखो, 4 2/3 को भाग देना है हमें 7 से, तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। 4 3 12, 12 और 2 14, 14/3 हो गया, भागा 7। अब मैंने क्या बोला, यहाँ 7 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। ये तो बताया था, जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हम वहां 1 लगा देते हैं। पहला ऐसा का ऐसा उतारो, दूसरा उल्टा कर दो। अब 1 ऊपर चले गया, 7 नीचे, बीच में गुणा का निशान। अब जो संख्या कट रही काट दो, 7 1 7, 7 2 14, 2 गुणा 1, और यहाँ 3 गुणा 1, 2/3 इसका उत्तर है। क्लियर? बताइए, आप सभी को क्लियर है तो पोल में दे दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का। मैम एक बार और एक और बार, दो एक मैम। और बार पूछ स्क्रीन में ना पहले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। स्क्रीन में, पहले वाला क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब कि आपकी स्क्रीन जो है ना फ्रीज हो गई, नेटवर्क एरर है। तो बेटा इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। क्या करा मैंने, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला बेटा, लास्ट बार बता रही हूँ, फिर पोल में करना। 4 3 12, 12 2 14, 14/3 भागा 7। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, 1 लगा दिया। अब व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो। 1 ऊपर चले गया, 7 नीचे, ये भाग का निशान गुणा में बदल गया, और यहाँ 3 है। अब जो संख्या जिससे कट रही काट दो, 7 1 7, 7 2 14, 2 गुणा 1/3, 1 2/3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब रेडी है, 3 बार करा दिया मैंने ये क्वेश्चन, कॉपी में नोट डाउन कर लो, हो जाएगा। अब मैं पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन, चलिए नोट डाउन कर। ठीक, ये मैम समझ। 8 4/5 को डिवाइड करो 11 से, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है ना। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, जिसको लग रहा है 110% उसका क्वेश्चन सही होगा वो तो कॉपी डायरेक्ट पोल में कर लो, जिसको लग रहा है थोड़े कंफ्यूजन कि हमारा गलत हो सकता है वो मुझे कॉपी दिखा देना, ठीक है। करेक्ट है बेटा, विजय के नाम से जो बच्चा है। बेटा क्वेश्चन तो सही किया है, कॉपी बड़ी गंदी बनाई है आपने। सरोज के नाम से जो बच्चा है सही है, गुड। सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। कॉपी हमेशा साफ सुथरी हो, आप टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे हो, मतलब कि कहीं पे भी काम कर रहे हो आप, तभी आपकी कॉपी प्रॉपर नहीं बनी है। कॉपी सही से बनाओ, साफ सुथरी। यस, रीना के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। हिमांशु के नाम से जो बच्चा है, जूम करो कॉपी, थोड़ी सी पास लेके आओ। यस बेटा, ठीक है। मैं ये वही बोल रही हूँ, जिसको लग रहा है उसके क्वेश्चन में से डाउट है तो वो मुझे कॉपी दिखाओ, जिसको पता है कि उसका सही होना है, जिसको पता है एकदम सही सही होना है वो मत दिखाइए। हाँ, प्रिया, अनामिका एंड दीपेंद्र के नाम से जो बच्चे हैं, तीनों का सही है। यस, अजय के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट। जल्दी जल्दी से पोल में भी कर दो। यस, दीपांशी के नाम से जो बच्ची है बेटा, करेक्ट है, गुड। जिसको पता है उसका होना ही होना सही है, क्योंकि अब वो एकदम सीख गया, वो डायरेक्ट पोल में कर दे। यस, अंकित के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। करो, सौरभ कुमार के नाम से जो बच्चा है, ये प्रिया के नाम से बच्चा है बेटा, कॉपी सीधी करो, टेढ़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ
थोड़ा सा आगे करूं, जूम करूं। हाँ ठीक है, चलिए कितने बच्चों ने कर दिया पोल में? 24 बच्चों ने कर दिया। अब भी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में किया नहीं है। बेटा करिए पोल में। यस, आकाश के नाम से जो बच्चा है, सही है, गुड, एकदम ठीक, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, चैट सेक्शन में करो। और पोल में ना अभी भी कम बच्चे कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, पोल में भी आंसर कर रहे हैं। अरे ये पागल छोरा बहुत दोगला भाई, दो बेटा आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं अभी कुछ बोल नहीं रही, अभी आ रही हूँ। देखो सही किया है, काफी बच्चों का सही है। तो सबसे पहले आपने इसे किसी मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम को भी नहीं आ रही क्या आवाज मेरी? आ रही है आवाज तो आपकी? मैम बेटा आ रही है? मैम हाँ, जिसको नहीं आ रही आ वो रही है? क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो 5, 8 जा 40, 40 और 4, 44, यही होगा ना, 5 भागा 11। मैंने क्या बोला, जिसके नीचे कुछ नहीं हुआ एक लगा दो। अब व्यवक्रम कर दो, उल्टा कर दो, ये ऊपर ये नीचे, 44/5 ये गुणा बन गया 1/11। 11 एकम 11, 11 चौके 44, 4/5 इसका उत्तर हो, सी इसका सही आंसर। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है और काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, वेरी गुड। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं हम। यस मैम। अब है एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, ये तो बेटा कर ही दोगे आप सभी बच्चे, करके इसका आंसर चैट सेक्शन में करिए, मुझे चैट में करना है इसका आंसर टाइप। ठीक है सभी बच्चे, कॉपी में शो करना, चैट सेक्शन में करना। मैम स्क्रीन चली गई। अभी आ रही है स्क्रीन सभी को? हाँ अभी बच्चे चैट सेक्शन में करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पांचों के नाम से जो बच्ची है बेटा, वेरी गुड गुड। चलो क्या किया आपने, पहला ऐसा का ऐसा उतारा, दूसरे का कर दिया व्युत्क्रम, बेटा 11/8 बीच में हो गया गुणा का साइन। बेटा माइक म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है, आवाज आ रही है ना मेरी बाकियों को? ठीक, अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 11 गुणा 1, 5 गुणा 4, 11/20 इसका उत्तर। ठीक है 11/20, तो काफी बच्चों का मैंने देखा सभी का 11/20 ही आ रहा है। सभी को क्लियर हो गया? कर ले पोल में क्वेश्चन ऐसी, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ लो बेटा दोबारा।
चलिए सात बटे आठ को भाग दो 7/16 से। बहुत इजी क्वेश्चन। कोई जिसको पता है कि उसका सही होगा वो डायरेक्ट पोल में कर देना, और जिसको डाउट हो वो मुझे कॉपी शो करना, बाकी सब डायरेक्ट पोल में कर देना। ठीक है नो बेटा दीपांशी, क्या आंसर क्या है? यस प्रॉपर दिखाओ। यस ठीक है। यस अनामिका के नाम से जो बच्चे हैं करेक्ट है, गुड। चिराग सिंह के नाम से जो बच्चा है, बेटा कॉपी थोड़ा सा और आगे ले जाओ। सही है बेटा। यस अंकित के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। प्रिया, प्रिया के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, गुड। यस निदा करेक्ट है। रिया करेक्ट है, करेक्ट। आकाश के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। नो अजय वर्मा के नाम से जो बच्चा है, बेटा गलत किया है, देखो दोबारा गलत किया है। अजय वर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा दोबारा चेक करो। सरवन कुमार के नाम से जो बच्चा है ठीक है। सरोज के नाम से बच्चा है करेक्ट है। दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है। शु के नाम से जो बच्चा है करेक्ट। प्रिया करेक्ट। विजय शर्मा के नाम से करेक्ट। दीपेंद्र कुमार के नाम से करेक्ट। यस बेटा जल्दी से कर दो अपना, आप लोग काफी बच्चे हैं जो सही कर रहे हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी पोल में कर दीजिए। यस हिमांशु के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है बेटा। शानिया मैम, यस कितने बच्चों का आंसर आ गया बेटा? काफी बच्चे हैं जो अभी भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। करो सभी बच्चे पोल में ही आंसर करो। इसका नहीं आ रहा ऑप्शन कोई बात नहीं, बट इसका आ रहा है सभी पोल में करिए। यस आखिरी के 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। हम बेटा 7-8 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। क्यों गलत किया है मुझे ये बताओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी आप गलत कैसे कर रहे हो, जब आपको पता है प्रोसीजर वही है। इसको ऊपर लिखना था, इसे नीचे लिखना था। 16 7 बीच में आ जाता गुणा। अब काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 से 7 कट गया। ऊपर है 2 नीचे है 1, मतलब 2/1 का मतलब तो 2 ही हुआ। 20 का सही उत्तर है। बच्चे ए पे टिक कर रहे हैं, ए तो गलत आंसर है, बी सही उत्तर है। काफी बच्चों ने ए पे टिक लगाया, पूरे 8 बच्चों ने। क्यों लगाया बेटा? ए कहाँ से आंसर हो गया? 2/1 आ रहा है ना, 1/2 दूर थोड़ी ना आ रहा है आंसर। बताइए जिसने भी गलत किया, समझ में आया? जिन्होंने भी ए पे टिक लगाया बेटा, ए नहीं आंसर। ठीक उतार लो इसे, नोट डाउन कर लो, आगे करेंगे फिर नेक्स्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/5 को भाग दो 2/3 से। बेटा बार बार में एक ही तरीके के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, फिर भी आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कीजिए इस वाले को, इस वाले क्वेश्चन का सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा पहले सिखाया है सेम वैसे ही करो इसे भी।
हिमांशु के नाम से भी बच्चा है, अंकित के नाम से भी बच्चा है, अनामिका के नाम से भी बच्चा है, तीनों का करेक्ट। होल में भी करते जाओ साथ के साथ। होल में भी करते जाइए सभी। वेरी गुड। देखो अभी तक किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होल में। जिसको जरा सा रहा है कि उसका गलत होगा वो मुझे आंसर दिखा। यस शिवानी करेक्ट है एकदम। गुड बेटा बढ़िया। यस आकाश के नाम से जो बच्चा है बेटा एकदम ठीक। दीपेंद्र के नाम से जो बच्चा है बेटा करेक्ट है। दीपांशी करेक्ट है। सरोज के नाम से बच्चा करेक्ट। प्रिया के नाम से बच्चा करेक्ट करेक्ट। ऐसा है जो बच्चे मुझे कॉपी शो करते हैं ना उनका लगभग सभी का मैक्सिमम का ठीक ही होता है जो मुझे कॉपी दिखाते हैं। यस प्रिया एकदम करेक्ट। जल्दी से कर दो पोल में। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, टाइम नहीं लगना चाहिए। पांच बच्चे रह गए जिन्होंने अभी आंसर नहीं किया पोल में। पांच बच्चे बच गए हैं बेटा, जल्दी से करो। सभी को पोल में करना है आंसर। सेम पहले जैसा जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही है ये भी। यस अनामिका के नाम से बच्चा है बेटा। कॉपी सीधी रखो, उल्टी रखी आपने। करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। एक मिनट बेटा, अनामिका के नाम से जो बच्चा है दोबारा कॉपी दिखाओ मुझे। दोबारा कॉपी दिखाओ। अनामिका के नाम से बच्चे दोबारा कॉपी दिखाओ बेटा। शायद गलत किया था आपने। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिनका हो गया। अनामिका के नाम से बच्चे ये कॉपी दिखाइए बेटा। बेटा आंसर जो है ना गलत आया आपका। गलत तो क्या गड़बड़ करी है आपने। यहाँ स्क्रीन पे देखो पहला ऐसे का ऐसे उतार दिया आपने। इसको उल्टा नहीं किया, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। ये हो जाएगा 3/2, बीच में आ जाएगा गुणा। दो को काटा 4 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 × 3/5 × 1 ये उत्तर आएगा 6/5। सी इसका सही उत्तर है। मेरे ख्याल से आपने ए पे टिक किया है, ए नहीं है इसका। ठीक है सी सही उत्तर है। आपने ए पे टाइप किया। आपने क्या किया, ऊपर ऊपर की संख्या को गुणा कर दिया। ऐसा थोड़ा ना करते हैं भाग में, उल्टा करते हैं उसके बाद ही तो हम गुणा करते हैं। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? ये आगे बढ़े। यस हेलो, ये टॉपिक फिनिश। अब आता है हमारा डेसिमल्स, दशमलव। ठीक है देखो आप लोगों ने 2 रुपए का सिक्का तो देखा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने 50 पैसे का सिक्का देखा होगा। मैं भी उनके घर में हूँ। ठीक है आपके हमारे टाइम पे हमने देखा है। हाँ आप लोगों के टाइम पे 50 पैसे चलता नहीं था, हमारे टाइम पे चलता था। ठीक है 50 पैसे का सिक्का ऐसा होता है, 2 रुपए का ऐसा होता है। ठीक है अगर मैं 2 रुपए और 50 पैसे को साथ में ले लूँ तो क्या बोलोगे कि ये है 2 रुपए 50 पैसे। और इसको हम दशमलव में कैसे लिखते हैं बेटा, 2 पहले लिखेंगे 50 बाद में। ठीक है 2.50 पढ़ेंगे, 2 रुपए 50 पैसे, 2.50। ऐसे तो पढ़ोगे 2.5 रुपए, 2.5 रुपए तो होंगे ना। यस ठीक है इसको हम दशमलव कहते हैं। अब दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं, एक होता है पूर्ण संख्या वाला और दूसरा होता है दशमलव। तो पहला दशमलव से पहले वाला जो भाग है इस वाले भाग को हम कहते हैं पूर्ण वाला भाग। मतलब ये वाला है पूर्ण हिस्सा,
होल वाला पूरी चीज शो करता है, और दशमलव के बाद वाला ये दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं वो हमें देखना है। देखो अगर मैं लिखूं दशमलव तीन तो इसका और 0.3 एक ही बात होती है, दोनों का एक ही मतलब है। पॉइंट थ्री और 0.3 का एक ही मतलब है, दशमलव तीन और 0.3 का एक ही मतलब होता है। एक ही मतलब तो होता है, हम दशमलव से पहले कितने भी शून्य लगा सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस दशमलव से पहले जीरो से पहले मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सभी को पता है ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैसे इसके बाद में कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी को पता है दशमलव से पहले भी मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, अगर कोई डिजिट नहीं है तो, कोई अंक नहीं है तो कितने भी शून्य लगा दू। सेम दशमलव के बाद जो अंक दे रखा है ना, उसके बाद में मैं कितने भी शून्य लगा दू, उससे भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, आप पढ़ते कैसे हैं इसको, आप सभी को पता है, इसको पूरी को एक साथ पढ़ते हैं, 1055, ये लिखा है 1055, और डेसिमल के बाद वाली को अलग अलग पढ़ते हैं, 1055.367, 1055.367, आप इसे ऐसे को नहीं पढ़ते, 1055. मैम स्क्रीन चली गई बेटा, स्क्रीन चली गई तो नेटवर्क इश्यू होगा। आप बेटे इसे ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, इसको अलग अलग ही पढ़ते हैं, ये तीन होगा, ये छह पढ़ोगे, ऐसे सात पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या को, हमेशा याद रखना, एक साथ हम कभी नहीं पढ़ते, गलत होता है अगर ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं क्या पढ़ोगे इसे, इसे पढ़ोगे 2.567, ऐसे तो पढ़ोगे मैम 2.567, हाँ 2.567, दशमलव के बाद वाली अलग से पढ़ी जाती है, अलग जितनी संख्या सबको अलग अलग ही पढ़ना है, वही सही तरीका है। अच्छा, 50 पैसे को हम आधा रुपया बोल सकते हैं बेटा, क्यों बोल सकते हैं, आपको पता है कि एक रुपये में 10 पैसे होते हैं, हाँ 100 पैसे में 1 रुपया होगा, उल्टा तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, 50/100, 1.5, तो 1/2 रुपया, 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया, वही लिखा है 2 रुपए + 1/2 रुपया, सभी को पता है ना, ये तो सभी को पता है, हाफ लिख सकते हैं कि भाई 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो कोई मैंने नई चीज नहीं बताई है, सभी को पता है कि 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होता है। ठीक है, अब ये मेरा फ्रैक्शन है, यहाँ पे भिन्न है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ दशमलव में डेसिमल में तो कैसे होगा बेटा, डिवाइड ही तो करोगे एक को दो से, अब दो के पहाड़े में एक आता नहीं है, क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, डेसिमल, डेसिमल लगाते ही यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो आते ही अब 10 बन गया, दो के पहाड़े में 10 आता ही है, 2 × 5 = 10, इसको लिखेंगे 2 + 0.5, ऐसे तो लिखोगे सॉल्व करके, ये लिख दिया मैंने, इतना चीज सभी को क्लियर हुई, भाई 1/2 को 0.5 ही तो लिखोगे, डिवाइड करना सभी को आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, आगे आएगा डिवाइड करना भी सीखेंगे हम दशमलव, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, बट इतना नॉर्मल है, इतना आता होगा। मैम इसको पढ़ेंगे कैसे, टू मैम मैम इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 / 0.5, 2 + 0.5, डिवाइड अभी बोला इसको आप 2 को 2.00 लिख सकते हो बेटा, बताओ 2 को 2.00 लिख सकते हैं, मैंने आपसे ये तो बोला कि दशमलव के बाद आप कितने भी शून्य लगा सकते हो, जोड़ने और घटा के लिए हम यही करते हैं, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, मैंने लगा दिए, जोड़ने के लिए क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, लगा दिया,
दशमलव के नीचे पांच था, बाद में वो शून्य के नीचे आ गया, इसके बाद भी हम कितने भी शून्य लगा सकते हैं, कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ दो 2.50 या 2.5, क्योंकि कितने भी जीरो लगा दो इसका कोई मान्य नहीं है, ये होगा 2.5, 2.5। क्लियर हो गया सभी को ये इतनी चीज? यस मैम अभी नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जोड़ना घटाना गुणा सब हम आगे सीखने वाले हैं दशमलव का। ठीक है, देखो मैम, ये 0.5 कैसे आ, 0.5 ऐसे आया, 1/2 को आपने भाग करना है। क्या करो, दो को एक से, एक को दो से भाग करा, आपको पता है दो की पहाड़ में एक तो आना नहीं है, दशमलव लगाओगे दशमलव लगाते ही यहाँ जीरो आ जाता है, डिवाइड कर दो। अब दो की पहाड़ी में 10 आते हैं, हाँ 2 5 10 यही आया, 1/2 का मतलब है 0.5, डिवाइड करके आया भाग करके। ठीक है, यस अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 22/4 को दशमलव में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करो इसे अपनी अपनी कॉपी में और मुझे आंसर बताओ। 22 को जब 4 से विभाजित करोगे तो दशमलव में क्या आएगा? सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर आप चैट सेक्शन में लिख देना आंसर। ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में लिख देना, कॉपी में शुरू करना, चैट में लिख देना। देखते हैं कितने बच्चों का आते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, 4 के पहाड़ में 22 तो आता नहीं है, 4 5 20, 2 आया, 4 के पहाड़ में 2 नहीं आता तो दशमलव लगाया, दशमलव लगाते ही डेसिमल लगाते ही यहाँ 0 आ गया। 4 के पहाड़ में 20 आता है, 4 5 20, तो इसको हम लिखेंगे 5.5, 5.5। ठीक है, हमेशा दशमलव लगाते ही 1 0 आता है, याद रखना दशमलव लगा के सिर्फ 1 ही 0 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, दशमलव से 1 ही 0 आता है हर स्टेप में। अगर 1 से ज्यादा 0 चाहिए तो फिर मुझे और 0 लगाने पड़ेंगे वहां भागफल में, दशमलव मतलब 1 ही 0 आएगा हर स्टेप में। ठीक है, ऐसे ही कर रखा है। क्या इस वाले को करिए? अच्छा, जिस भी बच्चे को डाउट हो ना कि हमें नहीं समझ में आ रहा डिवाइड करना तो पूछ लेना बेटा, मैं वही बोल रही, जरूरी नहीं है सभी को आए इसलिए हम सीख रहे हैं। जिसको नहीं आता बिल्कुल बोल दो कि नहीं आ रहा समझ, मैं बता दूंगी। इसको भी करिए और चैट सेक्शन में आंसर करिए। वेरी गुड, देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो। यस, बहुत बढ़िया, एकदम सही कर रहे हो, एकदम सही, गुड। ठीक है बेटा, ठीक है, कॉपी शो कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आता बेटा, शर्माओ मत, पूछ लो, ये मत सोचो कि हम ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, आपको सिखाने के लिए क्लास चल रही है ना। मैम एक बार ये वाला समझा देना। ठीक है, देखो आपको पता है 5 के पहाड़े में एक तो आता नहीं है, भी डिवाइड कैसे होगा, जब भी ऐसी स्थिति हो यहाँ पे दशमलव लगा दो, दशमलव लगाते ही यहाँ शून्य आ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाया शून्य आ गया, आपको हो सकता है 5 2 10, हो गया क्वेश्चन सॉल्व सिंपल, 0.2 इसका उत्तर है। ठीक है, दशमलव यस मैम, लगाते ही शून्य आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन ना मैं अपनी तरफ से देती हूँ, आप लोग मुझे बताना कैसे होगा। इसके पहले कितने भी जीरो लगा सकते हैं ना? हाँ, दशमलव से बेटा 1 ही 0 आता है, इसका मतलब ये नहीं, देखो अगर ये ऐसे होता ना, पर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देती तो बताओ क्या करते, सभी बच्चे ट्राई करेंगे और मुझे बताना। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी अभी आपके डाउट होंगे ना सब क्लियर हो जाएंगे कि दशमलव लगा के कितने 0 आते हैं। इसको ट्राई करो,
पॉइंट लगाया जीरो, सॉरी जीरो पॉइंट चार, पॉइंट लगाया जीरो। इस क्वेश्चन को करोगे जितने डाउट है ना सब क्लियर हो जाएंगे। यस वेरी गुड बेटी, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गए। देखो अब यहाँ देखना सभी बच्चे स्क्रीन पे कैसे करेंगे। आपको पता है डिवाइड हो नहीं सकता, मैंने दशमलव लगाया जीरो आया, पर अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। देखो अभी भी नहीं हो सकता ना, पचास के पहाड़े में तो दस नहीं आता, दस तो से पहले भी बोला था दशमलव से सिर्फ एक जीरो आता है। अगर मुझे और जीरो चाहिए तो यहाँ जीरो भी लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे एक जीरो पड़ेगा। एक दशमलव से हर स्टेप में सिर्फ एक ही जीरो आएगा। अब यहाँ पे मुझे दो जीरो की जरूरत थी तो एक और जीरो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा भागफल में। अब पचास दूनी सौ, आपको समझ में आया अंतर क्या है? एक दशमलव से सिर्फ एक ही जीरो आता है। यस अजय के नाम से बच्चे हैं। अगर आपको और जीरो चाहिए तो आपको भागफल में जीरो ऐड करते रहना पड़ेगा, ठीक है? यस समझ में आया? हाँ तो जीरो। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, होमवर्क दे देती हूँ आज का, आज के लिए इतना काफी है। होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद जिसको नहीं आया होगा ना वो क्लास में रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? देखो भिन्नों को गुणा करना और भाग करना, 18.1 और 18.2 आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 18.1 और 18.2 आपका होमवर्क है, ठीक है?